पहले थोड़ा सा बटर डालना है, फिर प्याज को चॉप करके, दो तीन प्याज लेने हैं उनको चॉप करना है, तो ये इसको ऐसे छोटे काट लेना है। उसके बाद इस छोटे करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या ऐड करना है। थोड़ा सा सोते करने के बाद इसमें आप हम मिल्क चूल्हा बंद कर देंगे। उसके बाद इसमें हम भी मिक्स करेंगे दूध, तेल, वन कप। अब हमने फ्लेम ऑन किया दोबारा से, ठीक है। इसमें हमने दो स्पून मैदे का डाल देने हैं, ओके। हल्का सा इसको फिर फ्राई करना है और फिर इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टेबल स्पून, या आप इस जायके के मुताबिक आप डाल सकते हैं, ओके। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, कम या ज़्यादा आप टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है, हम जो बॉईल किया हुआ चिकन है हमारा, बिल्कुल रेशे लग किए हुए हैं, ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे। हम आते हैं इसमें, इसके बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसमें डालेंगे हम ग्रीन चिली, जायके के मुताबिक आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम ओवन को हीट पे रखते हैं, इसको प्री हीट किया है। प्री हीट करने के बाद अब जो मैंने फिश रेडी की है वो मैंने ग्रीस किया हुआ है, और ऑयल ग्रीस किया हुआ ट्रे को, ये देखें। अब हम इसका ना अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। सॉरी गाइस, मैं आपको बताना भूल गई कि जब मैं ब्रेक पे थी तो इसमें मैंने कुछ वेजिटेबल मिक्स की हैं, मटर, गाजर एंड शिमला, ओके। अब हम छुरी की मदद से यूं करके इसका फेस बनना इधर, उसके बाद कट कर लेंगे दोनों साइडों से। अब ये मैं फिश उठा के इसमें रख रही हूँ। अब आप देख रहे हैं कि हमने जर्दी अलहदा कर दी है, चाहे तो इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लें।
इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने इसके ऊपर ब्लैक तिल डाले हैं, आप चाहें तो सफ़ेद भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने 15 से 20 मिनट के लिए इसको बेक करना है। बस 5-10 मिनट के बाद हमारा ये ब्रेड तैयार हो जाएगा। अभी थोड़ा सारा इसमें टाइम है। हो गए हैं, अब मैं इसके ऊपर ऑयलिंग कर रही हूँ। मटेरियल बचा था इसका, हमने अब देखे ये क्या पिज्जा बना लिया है। ये ऊपर मैंने डो के ऊपर मैंने ना केचप डाली है, अब बाकी का जो मटेरियल बचा है तो थोड़ा सा, लेकिन हम इसको खिला देंगे। सो ब्यूटीफुल डिश बन जाएगी एक और हमारी। ये देखिए, थोड़े से प्याज और थोड़े से टमाटर मैंने कट किए हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये वेस्ट को मैंने पोजीशन करने के लिए हमने ये सारा कट किया है। ये देखें, अब आप एक डिश में दो डिशें खा सकते हैं। इट्स ओके, फाइन। चलिए, एक ओवन में रखने जा रहे हैं, उतनी देर में हम अपनी डिश को टेस्ट करते हैं जो हमने ब्रेड बनाई है। चलते हैं हम अपने पिज्जे की तरफ। ये देखें कितना अमेजिंग, कितना डिलीशियस। देखिए डो हमारी कितनी ज़्यादा फूल गई है, ये हमने वेस्टेड चीज़ों से बनाया है। ओके चले, ये देखिए अब हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, हमारी मनिया काट रही है।